सो हाई एवरी वन, वेलकम टू अनदर वीडियो. और इस वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट एडमिशन्स टू दीज यूनिवर्सिटीज़ फॉर मास्टर्स और अंडरग्रैड. तो यार बेसिकली प्रोसेस सेम होता है. अगर आप मास्टर्स या अंडरग्रैड में करोगे, सिर्फ कहाँ फ़र्क आ जाएगा, टेस्ट्स में आपके जनरलाइज्ड. अगर आप मास्टर्स की बात कर रहे हो, स्पेसिफिकली अगर आप MS वर्सेज MBA कर रहे हो, तो MBA में आपको GMAT लगेगा, MS में आपको यूजुअली GRE लगेगा, राइट? और अदर देन दैट फिर आपका एक टेस्ट और लगेगा, दैट वुड बी IELTS या फिर TOEFL. ये यूजुअली आपका वीज़ा डिटरमाइन करते हैं, नॉट वीज़ा डिटरमाइन बट इट्स अ रिक्वायरमेंट कि यार आप जहाँ जा रहे हो वहाँ सर्वाइव कर भी सकते हो, आपको अगर बेसिक इंग्लिश भी आती है वहाँ की. तो ये आपका करता है, मतलब ये आपका IELTS करेगा, राइट? अब बिफोर दिस आपको क्या समझने की ज़रूरत है कि आप किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो, राइट? जब आप प्रिपेयर करते हो तो डिफरेंट टीयर की यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आप टीयर वन में जा रहे हो जिसमें आपका स्टैनफोर्ड हार्वर्ड ये सब रखा जाता है, तो यार इनके लिए तो आपको चाहिए बहुत अच्छे स्कोर्स. तो आपको पहले प्लान करने की ज़रूरत है अपने GMAT, कितने GMAT से लेना है और कितना स्कोर अचीव करना है, राइट? अगर आप जा रहे हो टीयर टू में, टीयर टू में एक मीडियोकर GRE GMAT भी चल जाते हैं. टीयर थ्री में जा रहे हो आप, तो वहाँ पर GMAT GRE मोस्टली रिक्वायर्ड भी नहीं होगा, आपका सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट ही चल जाएगा, राइट? अदर देन दिस फिर आपका IELTS में और या फिर TOEFL में एक बहुत मीडियोकर स्कोर रखते हैं फॉर एनी टीयर यूनिवर्सिटी, टू बी ऑनेस्ट. इसमें इतना कोई प्रॉब्लमैटिक सीन है अगर आप बहुत कम भी, बट हाँ ऑफकोर्स आपको एक सर्टन स्कोर लाना पड़ता है, बट वो कभी भी आपका एडमिशन डिटरमाइन नहीं कराएगा. इसके अलावा आपकी GPA बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके अंडरग्रैड में थी और उसमें आपने कितना स्कोर किया हुआ है, वो आपके टीयर के स्कूल्स में मतलब डिफरेंशिएट कर देता है. तो हमने अब तक बात करी यार GMAT, GRE, आपके स्कोर्स की, आपको कौन से टेस्ट चाहिए. अब इनके अलावा यार आपको लेने होते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और आपको चाहिए होता है SOP. लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको किससे चाहिए होगा? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यूजुअली आपको आपके प्रोफेसर से चाहिए होगा अंडरग्रैड के, या फिर जिन लोगों के साथ आपने अब तक जॉब में काम किया हुआ है. और यू हैव टू मेक श्योर कि यार ये डिफरेंट हैं, दे आर रियली गुड, और ये आपकी क्वालिटीज़ को दिखा रहे हैं कि आप कैसे बाकी कैंडिडेट से अलग हो. मेरी ओपिनियन में अगर आप किसी बहुत अच्छे स्कूल जा रहे हो तो ये स्टैंड आउट करने चाहिए आपके. तो यार यूजुअली ना मतलब आपसे ये लोग 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगेंगे और पर्पज़ वही आपको स्टैंड आउट करना है. अब आपका फाइनल आता है यार SOP. SOP में क्या होता है, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ होते हैं, यहाँ आपको बताना होता है आपने अब तक क्या किया है अंडरग्रैड में, आपकी जॉब में, आप क्यों इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, कैसे ये कोर्स आपको हेल्प करेगा आपके फ्यूचर उसके लिए कोर्स में, ये लिखना होगा आपको. अदर देन दिस आप यार लिखना चाहोगे कि आपने क्या अचीव किया है, आपके कुछ स्पेशल आपने पेपर्स पे काम किया है, या फिर आपकी आपने कहीं पे आपके कोडिंग लिंक्स हैं जो अच्छे हैं, जैसे आप लीड कोड डाल सकते हो, लीड कोड के बारे में आपने कहीं कंपेटिटिव कर लिया, कॉन्फ्रेंसेज में आपने पार्टिसिपेट किया है. तो आइडियली आपके स्टैंड आउट फैक्टर्स हैं जो आपको डिफरेंट बनाएंगे किसी और कैंडिडेट से. बट आई फील जब भी आप टीयर वन के लिए अप्लाई करोगे, टीयर वन में ये दो चीज़ें आपको मेजरली बीट करेंगी आपकी, और अलॉन्ग विद योर टेस्टिंग स्कोर्स एंड बीन करेक्ट, राइट? अब यार आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इनटेक्स दो होंगे, एक होगी फॉल इनटेक, एक होगी स्प्रिंग इनटेक. फॉल इनटेक में यूजुअली सबसे ज़्यादा लोग आने वाले हैं, स्प्रिंग इनटेक्स बहुत छोटे होते हैं. तो हमेशा कोशिश करना आप फॉल में जाओ, क्योंकि फॉल में जब आप आओगे ना, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत लाइंड अप होगी इंटर्नशिप के. मेजरली इंटर्नशिप्स हमेशा समर्स में ही आती हैं, तो आपका वो एक साल का पीरियड डन होगा जब आपकी CPT स्टार्ट हो रही होगी, और वो भी आपका अलाइन करेगा आपके फॉल, मतलब आपके बैच के अकॉर्डिंगली. विंटर्स में होगे वो बहुत उल्टा चलता है, मैंने मतलब यूजुअली यही देखा है लोगों के साथ. तो फॉल इज़ अ बेटर इनटेक. अब अगर आप अच्छे स्कूल्स टारगेट कर रहे हो, राइट, लाइक टीयर वन, वॉट यू हैव टू अगैन सी कि इन के लिए भी डेडलाइंस होंगे. दे वुड बी एन अर्ली डेडलाइन, एक होगी फिर लेट डेडलाइंस होंगी, राइट? आपको कोशिश करना है आप अर्ली डेडलाइन में जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपके चांसेस मैक्सिमम है. तो अर्ली बर्ड यूजुअली आपको मैक्सिमम चांसेस ऑफर करेगा, क्योंकि उस पॉइंट पे सीट्स भरनी है और इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो अगर आपको लगता है कि आपके स्कोर्स अच्छे हैं, डिसेंट हैं, तो डू नॉट वेट फॉर द थर्ड राउंड और सेकेंड राउंड, क्योंकि फिर आप अपने चांसेस कम कर रहे हो, राइट? गो इन अर्ली और जल्दी से करा के ख़त्म करो. मतलब मैं यार यूजुअली लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपकी मीडियोकर प्रोफाइल है तो
लास्ट तक मत वेट करो, क्योंकि यार एंड में सब अप्लाई करते हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो बेटर है आप जल्दी अप्लाई करो, क्योंकि जल्दी यार कोई भी टाइमली कर नहीं पाता अपने एप्लीकेशंस कंप्लीट। अब यार सर्टेन प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जब आपने अपनी एप्लीकेशंस भी कंप्लीट कर दी, अच्छा एप्लीकेशन कंप्लीट भी आपकी तब होगी जब आपने ये सब कुछ लगा दिया, अपना सपोर्टिंग मटेरियल सारे लोअर, तब तक आपकी एप्लीकेशन सबमिट भी नहीं होगी, राइट। अब सर्टेन प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जिनमें इंटरव्यू रिक्वायर्ड होगा, ये मेजरली MBA प्रोग्राम्स के लिए होगा, MS में यूजुअली इंटरव्यूज़ नहीं ले जाते हैं, बट अगर है तो आपके 1-2 राउंड के इंटरव्यूज़ होंगे और उन इंटरव्यूज़ में वो वही डिटरमाइन करेंगे कि आपने जो भी अंडरग्रेड में या जो भी आपने लिखा है आप ट्रूथफुल हो उस बारे में, और यूजुअली इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, तो हो जाते हैं। एनीवे दैट वुड बी ऑल फॉर दिस वीडियो, डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कॉन्टेंट।